हेलो फ्रेंड्स, जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीएड, बीएससी बीएड और बीबीएड के एग्जाम फॉर्म में वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन अवश्य करें। और बीएड, बीएससी बीएड और बीबीएड का टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक अलग से दी गई है, उसको भी दोस्तों आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको बीएससी बीएड, बीबीएड और बीएड की जो भी न्यूज आती है वो दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलती है, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, आज ही जारी हुआ है। और इसमें बीएड, बीएड, एमएड, बीबीएड और बीएससी बीएड के नियमित भूतपूर्व विद्यार्थी है, उन सबको सूचित किया जाता है कि 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए इच्छुक अभ्यर्थी है वो अपना एग्जाम फॉर्म वो जेएनयू की वेबसाइट पर दिनांक 14 जून 2022 के शाम से भर सकते हैं दोस्तों। और आपको बिना विलंब शुल्क 13 जुलाई 2022 तक अपना एग्जाम फॉर्म वो भरना है, और 15 जुलाई 2022 तक आपको अपनी हार्ड कॉपी है वो जमा करवानी है। हार्ड कॉपी के साथ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हार्ड कॉपी क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन एक बार आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, और 50 रुपये विलंब शुल्क के साथ 27 जुलाई और प्रिंटेड हार्ड कॉपी है वो आप विलंब शुल्क के बाद 29 जुलाई 2022 तक भर सकते हो, और 4 गुना फीस के साथ 12 अगस्त 2022 तक आप अपने एग्जाम फॉर्म में वो भर सकते हो। यानी आपके 12 अगस्त तक कोई भी एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि 12 अगस्त तक तो आपके है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, और इसके बाद भी हो सकता है डेट बढ़ा दी जाए। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि क्या क्या जानकारी, आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और दोस्तों, अभी तक रिविलेशन का रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए आपको क्या करना है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों देखने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे आपको जाना है और क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार दोस्तों लिंक ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने सारी जानकारी लिखी है। ये आपके डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हो, जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके दोस्तों 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के तीनों ईयर की मार्कशीट, और आपके बैंक खाते की डायरी और 2 फोटो और साइन और आधार कार्ड, ये इतने आपके डॉक्यूमेंट है वो बीएड फर्स्ट ईयर में जरूरत पड़ेगी। और बीएड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ अपने बीएड फर्स्ट ईयर के रोल नंबर और बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो दोस्तों उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, और आपने प्रीवियस ईयर के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना एग्जाम फॉर्म वो आप ओपन कर सकते हो। और बीएससी बीएड और बीबीएड के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैंक खाते की डायरी की डिटेल और 2 फोटो और साइन और आपका आधार कार्ड है वो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीएससी बीएड, बीबीएड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको अपनी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, और दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट और फर्स्ट ईयर के जो रोल नंबर है या फिर सेकंड ईयर के सेम ही रोल नंबर है वो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगी, तभी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, आपकी जो फीस है वो 1375 रुपये लगने वाली है बीएड एग्जाम फॉर्म की। और दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जेएनयू एग्जाम फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको डाउनलोड करके क्लिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपका नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। बाकी की जानकारी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप लिंक देगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हो।